हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट फंडास। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। आज मैं आपके समक्ष जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस के बारे में आज मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा, उसकी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले इंश्योरेंस वर्सेस टर्म इंश्योरेंस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल इंश्योरेंस की, जिसका जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग 10 से 20 साल का होता है। कुछ इसमें मनी बैक स्कीम्स होती हैं। इसका जो रिस्क कवर होता है वो बहुत ही कम होता है, नॉर्मली 2 से 5 लाख तक। और कुछ जो मैच्योरिटी में जो अमाउंट मिलता है वो आपके प्रीमियम पे कुछ उस पे रिटर्न डालकर वो आपको मिल जाता है। वहीं दोस्तों, अगर मैं टर्म इंश्योरेंस की बात करूं तो उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 10 साल से 40 साल तक वेरी करती है। उसमें कोई मनी बैक स्कीम नहीं होती है, वो प्योरली रिस्क कवरेज होती है। और जो रिस्क कवर होता है उसकी भी कोई लिमिट नहीं होती। आप 50 लाख तक की ले सकते हैं, 1 करोड़ तक की, 1.5 करोड़ तक, 2 करोड़ तक। और उसमें जो मैच्योरिटी होती है उसमें कोई आपको मनी बैक नहीं मिलता है। बट इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसका एनुअल प्रीमियम बहुत ही कम होता है। अब अगर मैं बात करूं एनुअल प्रीमियम की, तो एनुअल प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस में बहुत ही कम होता है। 1 करोड़ के रिस्क कवरेज के लिए जो टर्म इंश्योरेंस है वो 25 साल की उम्र के लिए 7,000 रुपये सालाना है, 30 साल के लिए 10,000 रुपये सालाना, 35 साल के लिए 13,000 रुपये सालाना, और 40 साल के लिए 17,000 रुपये सालाना। ये किसी नॉर्मल इंश्योरेंस के प्रीमियम से बहुत ही कम है। टर्म इंश्योरेंस परचेज करने के लिए बहुत ही बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, एक आपका इनकम प्रूफ, एक एज प्रूफ, और एक आपकी रीसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ। मेरी कुछ रिकमेंडेशन है टर्म इंश्योरेंस बाय करने के लिए। जब भी आप टर्म इंश्योरेंस बाय करें तो अपनी सालाना इनकम से 10 गुना ज़्यादा का जो रिस्क कवरेज है उसका टर्म इंश्योरेंस बाय करें। जब भी आप इंश्योरेंस का फॉर्म भर रहे हो तो सारी डिटेल करेक्टली फिल करें, और अगर हो सके तो किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ जाएं या फिर पॉलिसी बाजार के थ्रू अपना वो फॉर्म फिल करवा लें। जब भी आप टर्म इंश्योरेंस बाय करें तो साथ में क्रिटिकल इलनेस राइडर ज़रूर ऐड करवा लें, और टर्म इंश्योरेंस लेते हुए उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो ज़रूर चेक करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो टर्म इंश्योरेंस पर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।